मकर संक्रांति के पर्व को सूर्य के राशि परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य दक्षिणारण से उत्तरारण होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के पर्व में खासकर तिल का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति से ही दिन भी एक तिल के समान बढ़ने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष माह में जब सूर्य कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से अभिहित किया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को जिस प्रकार भारत के विभिन्न भागों में अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पर्व के अवसर पर तिल का भी एक बड़ा महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का खास महत्व माना गया है। ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल का सेवन करना ही चाहिए। इस दिन पर तिल का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी खास महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से अशुभ ग्रह कट जाते हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से शनि के कुप्रभाव कम होते हैं। इस दिन तिल के सेवन से पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन तेल मिश्रित जल के स्नान करने से विभिन्न रोगों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माघ मास में तिल और जल मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। साथ ही राहु और शनि के दोष का भी नाश होता है। इसके अलावा भी तिल का अत्यधिक महत्व है। तिल में कॉपर, मैग्नीशियम, ट्राइनोफाइन, आयरन, मैगजीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन बी ए और रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 1/4 कप या 36 ग्राम तिल के बीज से 206 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा जिन्हें गठिया रोग की शिकायत बहुत अधिक है उन्हें तिल का सेवन करने से आराम मिलता है। सर्दी से राहत, सर्दियों में शरीर का तापमान गिर जाता है, ऐसे में हमें बाहरी तापमान से अंदरूनी तापमान को बैलेंस करना होता है। तिल और गुड़ गर्म होते हैं, ये खाने से शरीर गर्म रहता है। सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ से बने लड्डू खाने से जुकाम और खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है क्योंकि इसी दिन सूर्य धनी राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं जबकि कर्नाटका, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। आपको बता दें कि सूर्य की राशि में एक माह तक रहते हैं, अतः संक्रांति तो प्रतिमा आती है लेकिन मकर राशि में सूर्य का गोचर एक वर्ष के अंतराल से होता है, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष पौष मास में आता है। वर्ष 2018 विक्रम संवत 2074 में सूर्य 14 जनवरी की रात्रि 8:08 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2018 को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका पुण्यकाल 15 जनवरी 2018 को रहेगा। मकर संक्रांति का विशेष पुण्यकाल 14 जनवरी 2018 को रात्रि 8:08 से 15 जनवरी 2018 को दिन के 12 बजे तक रहेगा। वर्ष 2018 विक्रत संवत 2074 में संक्रांति का वाहन महिष एवं उपवाहन ऊंट रहेगा।
इस वर्ष संक्रांति काले वस्त्र एवं मृग चर्म की कंचुकी धारण किए, नीले आंख के फूलों की माला पहने, नीलमणि के आभूषण धारण किए, हाथ में तोमर आयुष लिए, दही का भक्षण करती हुई दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई रहेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर व कर्क राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार असुओं पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सरों को काटकर मदिरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाए जाने लगे हैं। फसलों की कटाई का त्योहार भी इसको माना जाता है। नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब, यूपी, बिहार समेत तमिलनाडु में यह वक्त नई फसल काटने का होता है, इसलिए किसान मकर संक्रांति को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। खेतों में गेहूं और धान की लहराती फसल किसानों की मेहनत का परिणाम होती है, लेकिन यह सब ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के तौर पर मनाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति को जाना जाता है। मकर संक्रांति पर कहीं खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं दही चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। आज हम आपको इसका लौकिक महत्व भी बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना गया है। लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है, तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस वजह से साधु संत और वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं, उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो पूर्व के कड़वे अनुभवों को भूलकर मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तब पृथ्वी प्रकाश में होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता है और वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। मकर संक्रांति से जुड़े हुए त्योहार के बारे में भी आज हम आपको बताते हैं। भारत में मकर संक्रांति के दौरान जनवरी माह में नई फसल का आगमन होता है। इस मौके पर किसान फसल की कटाई करने के बाद इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पोंगल दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। इस मौके पर धान की फसल कटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला यह पर्व सूर्य और इंद्रदेव को समर्पित है। पोंगल के माध्यम से लोग अच्छी बारिश, उपजाऊ भूमि और बेहतर फसल के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पोंगल पर्व के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन को पूजा जाता है। उत्तरायण क्या होता है? उत्तरायण खास तौर पर गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है। नई फसल और ऋतु के आगमन पर यह पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है।
इस मौके पर गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है, साथ ही पतंग महोत्सव का एक विशेष आयोजन भी किया जाता है जो दुनिया भर में मशहूर है। उत्तरायण पर्व पर व्रत रखा जाता है और तिल व मूंगफली दाने की चक्की बनाई जाती है। लोहड़ी की बात करते हैं, लोहड़ी विशेष रूप से पंजाब में मनाया जाने वाला पर्व है जो फसलों की कटाई के बाद 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर शाम के समय होलिका जलाई जाती है और तिल गुड़ और मक्का अग्नि को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। इसी को असम में माघ महीने की संक्रांति के पहले दिन से माघ बिहू यानी भोगाली बिहू पर्व मनाया जाता है। भोगाली बिहू के मौके पर खान पान धूमधाम से होता है। इस समय असम में तिल, चावल, नारियल और गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसी से तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए खाए जाते हैं और लोगों को खिलाए जाते हैं। भोगाली बिहू पर भी होलिका जलाई जाती है और तिल वे नारियल से बनाए व्यंजन अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं। भोगली बिहू के मौके पर टेकेली भोगा नामक खेल खेला जाता है, साथ ही भैंसों की लड़ाई भी यहाँ प्रचलित में चली आ रही है। बैशाखी पंजाब में सिख समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। बैशाखी के मौके पर पंजाब में गेहूं की फसल कटने लगती है और किसानों का घर खुशियों से भर जाता है। गेहूं को पंजाब के किसान कनक यानी सोना मानते हैं। बैशाखी के मौके पर पंजाब में मेले लगते हैं और लोग नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। नदियों और सरोवरों में स्नान के बाद लोग मंदिर और गुरुद्वारे में दर्शन करने आते हैं। तो आज हम आपको मकर संक्रांति की परंपरा के बारे में भी बता रहे हैं। हिंदू धर्म में मीठे पकवानों के बगैर हर त्यौहार अधूरा सा माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा चली आ रही है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर मीठे पकवानों को खाने और खिलाने से रिश्तों में आई कड़वाहट दूर होती है और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। कहा यह भी जाता है कि मीठा खाने से वाणी और व्यवहार में मधुरता आती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव के पुत्र शनि के घर पहुंचने पर तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। तिल और गुड़ की मिठाई के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। गुजरात और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मकर संक्रांति के दौरान पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। इस मौके पर बच्चों से लेकर बड़े तक पतंगबाजी करते हैं। पतंगबाजी के दौरान आपका पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार सा नजर आता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।